वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा गाइस आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्त, आज इस आशा के साथ आपको इनवाइट करता हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, शायद यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कई लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्लीज़ करा दीजिए। तो गाइस, आपको इससे पहले कि पढ़ाना शुरू करो, दो बातें आज इसको लेने जा रहा हूँ, प्लस आपके लिए मेरे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो अगर आप में से, एक बार मैंने और भी कहा था, तो आप में से जिन लोगों को नहीं मिल रही है, प्लीज़ आपको chandrainstitute.com इलाहाबाद पे जाना है, फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा। जब आप प्लेलिस्ट करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी आरपी मिश्रा या चाइल्ड साइकोलॉजी आपको लिखा होगा, आप वहाँ पर से देख करके ले सकते हैं, ठीक है। और आपको सारे मेरे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर, ये शायद 33 है या 34 है, रजत कौन सा है, 33, तो आपको सारे 32 तक हमको वहाँ मिलेंगे। आज जैसे ही होगा आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आरटी 2009। मैंने देखिए गाइस, आपको थोड़ा बता दूँ ये क्वेश्चन मैंने कैसे, एक तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 22 क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर मैंने कुछ यूँ डिजाइन किया है दोस्त, कि इसी प्रश्नों के सहारे आप पूरा आरटी पढ़ लें। तो पहला, अब यहाँ देखिए, उत्तर के छोड़ के हर ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। आरटीई 2009 कब लागू हुआ? तो गाइज, आरटीई 2009 आप बताएंगे कब लागू हुआ। तो दोस्त, अगर आपको मालूम होगा तो आपको एक बार सारी डेट बता देता हूँ। 20 जुलाई 2009 को यह पारित हुआ कहाँ? राज्यसभा में। सारी डेट आप नोट्स बनाइएगा। 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ किसमें? लोकसभा में। और 26 अगस्त 2009 को इस पे हस्ताक्षर हुए भारतीय राष्ट्रपति के, अर्थात यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। तो पहला क्वेश्चन केवल डेटा डेटा से ही भरा था, आप इसकी नोट्स बनाइएगा और अपने फीडबैक प्लीज दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो आपको बता दूँ, उत्तर है भारत, 135वां देश है। सुनिए, हाँ, भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला 135वां देश है। और आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, पहला देश है यूरोप का एक देश जिसका नाम है नॉर्वे। तो आप नोट्स में लिख लीजिएगा, आरटी लागू करने वाला भारत दुनिया का 135वां देश है, जबकि पहला देश कौन है? नॉर्वे है। दूसरा, आरटी 2009 किस राज्य पर लागू नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो गाइज, आपको बता देना चाहूँगा, जैसे आप जानते हो भारत का संविधान के लिए एक अलग अरेंजमेंट बनाया गया है, धारा 370, जो जम्मू कश्मीर पे लागू होती है। तो ज़्यादातर प्रावधान इंडिया के जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते, क्योंकि उनके लिए विशेष प्रावधान है। एग्जैक्ट यही बात सच है किसके लिए? आरटी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं है आरटी 2009। आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो गाइज, आपको बताना चाहूँगा, आरटी 2009 में बताइए कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो आपका उत्तर है गाइज, प्लीज़ लिख लीजिएगा, आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। अगला, आरटी 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 38। तो सही उत्तर है गाइज, 38 धाराएं। फिर से सुनेंगे, आरटीई 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। अगला, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? मतलब आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक, प्राथमिक शिक्षा बोले तो कक्षा 1 से 5 तक, शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 1:20 का, मतलब एक शिक्षक 20 छात्र, ऑप्शन बी 1:40 का, ऑप्शन सी 1:35 का, ऑप्शन डी 1:25 का। तो गाइज, आप उत्तर भेजिए और सही उत्तर है 1:40 का। पर आपको यहाँ एक ऑप्शन और बता दूँ, उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो 6 से 8 पर जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1:35 का। इसलिए प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, 6 से 8 या उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपात क्या होगा? 1:35 का। तो यह रहा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह, इम्पॉर्टेंट है गाइज, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे काम करना होगा? तो मेरे दोस्त, उत्तर है कितना, 20 घंटे।
30 घंटे, 45 घंटे या 50 घंटे? तो गाइस सही उत्तर क्या है, 45 घंटे। तो चलेंगे, यहाँ आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में केवल डेटा भरा है और आपको काम आएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति आरटी की किस धारा में है? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक बार सुनेंगे ध्यान से। हाँ, आरटी 2009 क्या कहता है गाइस? हमने देखा है हमारे विद्यालयों में बहुत बुरी दशा है, शिक्षक आपने देखा होगा बीच में मिड डे मील में बहुत कंप्लेंट आ रही थी, शिक्षक और अभी मतलब प्रिंसिपल, पता चल रहा है कि लोग चावल अच्छा वाला बेच ले रहे हैं, खराब खाना मिल रहा है। तो सरकार ने सोचा कि जब तक बच्चे का भला बच्चे का अभिभावक ही चाह सकता है, तो सरकार ने एक प्लान बनाया कि हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी जिसका 3/4, प्लीज देखिएगा नोट्स में, जिसका 3/4 या 75% भाग अभिभावकों से बनेगा। किससे बनेगा? अभिभावकों से बनेगा, और अभिभावकों की आधी संख्या क्या होगी? महिलाओं की होगी। तो कुल संख्या क्या है? 16, ध्यान से सुनिएगा, कुल संख्या है 16, तो 75% कितना हुआ? 12, और 12 की 6 कौन होगी? महिलाएं। और यह बताया गया है धारा नंबर कितने में? तो उत्तर है दोस्त धारा नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगला, आरटी 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में एससी एसटी और ओबीसी तथा विकलांगों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें का आरक्षित हुआ है? तो गाइज आरटी 2009 कहती है कि गरीब छात्रगण निजी विद्यालय जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जैसे डीपीएस हो गए, महंगे विद्यालय, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया है क्या कि एससी एसटी ओबीसी तथा विकलांग छात्रों के लिए हर निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होंगी, जिसका फीस डायरेक्ट कौन, कभी जानते हैं आप इनकी फीसें बहुत मोटी होती हैं गाइज, तो यह फीस कौन वहन करेगा डायरेक्ट? गवर्नमेंट वहन करेगी, और यह आप समझ ही चुके होंगे इसका प्रतिशत कितना है, 25%। क्वेश्चन 10, आरटी 2009 के अनुसार प्रवेश शुल्क लेने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो देखेंगे गाइज आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ, आरटी 2009 की धारा 13 लिख लीजिएगा, धारा 13 में दो प्रावधान है। पहला, कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि, मतलब जो भी, क्योंकि आप समझ रहे हैं मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, तो ऐसे में आप प्रवेश शुल्क ले ही नहीं सकते, पर अगर आप प्रवेश शुल्क लेते हुए पकड़े जाते हो तो आपको ली गई राशि का 10 गुना, मतलब अगर आपने 10 रुपया लिया तो आपको 100 रुपये भरना पड़ेगा, और हमारा सही उत्तर है कितना गुना? 10 गुना। यह है धारा नंबर 13 में, कितना है? धारा नंबर 13 में, इसलिए आपको धाराएं भी मैक्सिमम बता दे रहा हूं। आरटी 2009 में बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर प्रतिदिन लगने वाला जुर्माना क्या है? तो ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी है 20,000, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है गाइस 10,000, और यह बताया गया है धारा नंबर 18 में, प्लीज एक बार लिख लीजिएगा, धारा नंबर 18 क्या कहता है? बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा, फिर से सुनिए, बिना मान्यता के कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा, अगर आप पकड़े जाते हैं तो स्कूल खोलने से और पकड़े जाने वाले दिन तक जोड़ के प्रतिदिन के हिसाब से आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, इसलिए सही उत्तर क्या है 10,000। आशा करता हूँ आप आर्टिकल लिख रहे होंगे। 12वां, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सत्र में कुल कितने कार्य दिवस होंगे? तो एक बार आपको दोनों ही बता देता हूँ, आरटी 2009 की अनुसूची आपको बता ही चुका हूँ, एक बार सुन लीजिए, आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। उस एक अनुसूची में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर साल भर में 200 कार्य दिवस होंगे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 होंगे, प्लीज इसको आप लिख लेंगे, तो इसका सही उत्तर है कितना? 200। अगला, आरटी 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन से आया, मतलब आरटी 2009 को लागू करने के लिए, शायद ये इंपॉर्टेंट होगा, आरटी 2009 को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन लाया गया? तो दोस्त उत्तर है 40वां या 80वां
85वां या डी, इट्स कॉल्ड डी, और यह है 86वां। तो आपको बता दूं, दिसंबर 2002 में ही ये प्रक्रिया शुरू की गई। दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का 86वां, कौन सा, 86वां संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा अब यह एक क्या है, मूल अधिकार बन गया है, और संशोधन नंबर है 86वां। 14वां, आरटी 2009 संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको थोड़ा बता दूं, आ ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका उत्तर है मेरे दोस्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स कॉल इट इम्पॉर्टेंट, और इसका उत्तर है 21A। भारतीय संविधान का जब 86वां संशोधन लाया गया, तो आप समझ रहे हैं 21 में मूल अधिकार है, तो उसमें एक खंड जोड़ा गया ए, या उसे हम हिंदी में क बोल सकते हैं, आप इसे हिंदी में जैसा मैंने लिखा भी है क, क्या कि क जोड़ा गया ताकि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बनाया जा सके, ताकि हर बच्चे को मौजूद हो। आरटी 2009 में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मैंने आपको बताया ही था इसमें केवल कितनी अनुसूची है, उत्तर है एक। आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो मैंने आपको बताया था धारा 21 में जिक्र किया गया है किसका, विद्यालय प्रबंधन समिति का, क्या हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, जिसका 3/4 भाग अभिभावकों से बनेगा, और इस 3/4 का आधा केवल क्या होगी, महिलाएं होंगी, अर्थात 16 की कुल संख्या का 75% या 3/4 12 हुआ, और 12 का आधा 6 महिलाएं होंगी, तो आप समझ ही गए होंगे किसकी संख्या की आधी, अभिभावकों की संख्या की आधी, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, वी होगा। 17, शिक्षकों की योग्यता का वर्णन किस धारा में है, तो आपको सारी धाराएं एक बार बता देता हूँ, तो ऑप्शन है पहला धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26। तो एक बार सारी धाराएं सुन लेंगे। धारा 23 क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे, शिक्षक बनने वाले हर व्यक्ति, सुना, शिक्षक बनने वाले हर व्यक्ति को निर्धारित कोर्स, जैसे बीएड बीटीसी आप करते हैं, के अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप टेट सीटेट जैसे हम पढ़ रहे हैं, को पास करना पड़ेगा, यह कहती है धारा 23, जो कि हमारा उत्तर है, पर मैं आपको सभी बताने जा रहा हूँ। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन किया गया है, और धारा 26 में, एक बार फिर से सुनेंगे, धारा 26 में वर्णन किया गया है कि किसी भी विद्यालय में कुल पदों की, कुल शिक्षकों के पदों की 10% से ज़्यादा संख्या खाली नहीं रह सकती। जैसे आपने देखा होगा हमारे ज़माने में कैसे स्कूल होते थे, एक टीचर होता था कक्षा 1, 2, 3 को एक में ही बैठा लेता था, मतलब समझ भी नहीं पाता था कि हम वो पढ़ाएगा क्या, इसलिए उन्होंने बोला कि किसी विद्यालय में ज़रूरत से ज़्यादा पद नहीं खाली रहेंगे, मतलब अगर आपके यहाँ 10 शिक्षकों के पद हैं तो कम से कम 9 शिक्षक आप पे चाहिए ही चाहिए, केवल एक खाली रह सकता है। और यह कहता है धारा नंबर कौन, 26। तो हमारा फिलहाल उत्तर क्या है, धारा 23। मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं और मैं आपको कंप्लीट लेक्चर दे रहा हूँ। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में बच्चे के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो यह कहा गया है धारा नंबर 6 में, फिर से सुनिएगा धारा नंबर 6 क्या कहता है, एक बार सुनेंगे। इस अधिनियम के आने के 3 वर्षों के भीतर हर बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जबकि 3 किलोमीटर, पूरा सुन लेंगे, जबकि 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक 6 से 8 वाले विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला, आरटी 2009 के अनुसार किसी विद्यालय में केवल कितने प्रतिशत पद शिक्षकों के खाली रह सकते हैं, और अभी अभी आपको बताया वो क्या है, 10%। 20वां, आरटी 2009 को किस धारा में मान्यता के बगैर स्कूल चलाने पर जुर्माने का प्रावधान है, फिर सुनिए, आरटी 2009 की किस धारा में
बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर जुर्माने का प्रावधान है, तो हमारा उत्तर है धारा नंबर 18। मैंने अभी आपको बताया, पर एक बार सारी धाराएं फिर से सुनेंगे। धारा 17 में किसी भी प्रकार से बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देने पर रोक लगाई गई है। धारा 18 आप देख ही रहे हो। धारा 19 में विद्यालय के मान एवं मानदंडों का वर्णन है, मतलब विद्यालय कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट छात्र रेशियो क्या है, या कहने का अर्थ है कि शिक्षक कितने घंटे काम करेगा, कितने कार्य दिवस होंगे, यह धारा 19 में है। धारा 19 का नाम है विद्यालय के मान एवं मानदंडों का वर्णन। और धारा 20 में यह, और यह कहाँ दिया गया है, धारा 19 के बजाय इसे अनुसूची में दिया गया है, तो हमको लिखना रहता है कि अनुसूची में दिया गया है। इसलिए धारा 20 में क्या कहा गया है कि जिसमें मान मानदंडों का वर्णन है उस अनुसूची में संशोधन का अधिकार केवल किस सरकार का है, केंद्र सरकार का है, यह कहा गया है धारा नंबर 20 में। पर हमारा उत्तर क्या है, धारा नंबर 18। अगला आरटीई की, देखिए मैंने इधर काफ़ी धाराएं ले ली हैं ताकि आप समझ जाओ। आरटीई की किस धारा में बच्चे को किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने पर रोक लगाई गई है, तो मैंने आपको अभी भी बोला, माफ़ करना, यहाँ पे एक ऑप्शन हमको लेना है, यहाँ पे आएगा धारा नंबर 17। तो यह हुआ धारा नंबर 17 ही इसका सही उत्तर है गाइस। और अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 22। एक बार 14 15 भी सुन लेंगे, 17 18 उधर आपने सुना ही है। धारा 14 क्या कहती है, किसी भी प्रकार से बच्चे को मतलब अगर किसी बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो भी प्रवेश दिया जाएगा। धारा 14 क्या कहती है, आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। अब सुनना धारा 15 क्या कहती है। धारा 15 क्या कहती है कि अगर कोई बच्चा, आपने जुलाई तक का टाइम दिया था, जुलाई तक एडमिशन लेने नहीं आया, तो अगर वो जुलाई के बाद आया है तो भी आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो क्या कहती है धारा 15, निर्धारित अवधि के बाद भी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। और धारा 18 बता ही चुका हूँ, 17 18, आरटीई की किस धारा द्वारा प्रवेश शुल्क या प्रवेश परीक्षा लेने पर प्रतिबंध या जुर्माना लगाया गया है, तो एक बार सारे के सारे सुन लेंगे। हाँ तो गाइज, धारा 11 12 उधर आपको बता ही चुका हूँ, तो इसलिए आएगा, आपको सुना दूँ थोड़ा सा। धारा 14 अभी भी मैंने आपको बताया, तो आपको बतानी है धारा 11 और धारा 12 और धारा 13। तो आपको बता ही चुका हूँ, निजी विद्यालयों में 25% सीटें जो वहाँ आपने देखा उसका प्रावधान है धारा 12 में। धारा 11 क्या कहता है कि आप जानते हो दो तरह के बच्चे जाते हैं कक्षा एक में, एक वो जो केजी पढ़ के कक्षा एक में गए हैं, एक जो डायरेक्ट कक्षा एक में चले गए हैं। तो केजी वाला कक्षा एक वाले डायरेक्ट जाने वाले पे भारी पड़ेगा, इसलिए आरटी 2009 कहता है कि वो बच्चे जो डायरेक्ट कक्षा एक में जा रहे हैं, केजी वाले उन पे भारी न पड़े, इसलिए उनको संक्षिप्त रूप से केजी की शिक्षा 20-22 दिनों में शॉर्ट में दी जाएगी, और इसे हम बोलते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा। तो धारा 11 कहती है विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान करती है। धारा 12 बता ही चुका हूँ, 25% सीटें आरक्षित होंगी। पर हमारा उत्तर यहाँ पे क्या है, धारा नंबर 13। और धारा नंबर 13 में दो प्रावधान है, क्या, किसी भी बालक से, अभी मैंने आपको उधर बताया, किसी भी बालक से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 10 गुना आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। और उसका दूसरा प्रावधान है, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, अगर आप पकड़े जाते हैं तो पहली बार 25,000 और दोबारा हर बार पकड़े जाने पे 50,000 रुपये का क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। यह कहता है धारा नंबर 13। और अब लेंगे गाइज, देखिए गाइज, मैंने कोशिश की है, मैंने मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और ये भी इसी साथ साथ कोशिश की है कि आपको धारा अध्याय सभी क्लियर किए जाएं। प्लीज़ अपने धुआंधार फीडबैक दीजिए, लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसके साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 8229310097 पे व्हाट्सएप या कॉल करना है और आप ले सकते हैं। और बाकी गाइज प्लीज़ मुझे हौसला अफजाई के लिए मैसेज भेजें और गरीब बच्चों को शेयर करें। विद दिस IRP मिश्रा क्लोज यू, थैंक यू, गुड नाइट गाइज।